Hey, क्या आप गुस्सा करते हो डू यू बिकम एंग्री एट टाइम्स हेलो माई डियर फ्रेंड्स आई एम सुभाष कार्तिक लाइफ कोच आज हम एक ऐसे स्ट्रॉन्ग इमोशन के बारे में बात करेंगे जो इंसान को एक बहुत बड़े प्रॉब्लम के तरफ लेके जा रहा है जी हाँ दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं एंगर तो हाँ मैं क्वेश्चन कर रहा था आपसे आप, आप गुस्सा करते हो क्या आपको लगता है गुस्सा करना जायज है ये तो नॉर्मल है सभी गुस्सा करते हैं आपको लगता है क्या वो इंसान को जब भी आप देखते हो तो आप बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हो आपके गुस्से का कारण क्या है वो इंसान मतलब किसी पे गुस्सा कर रहे हो तो वो इंसान आपके गुस्से का कारण है राइट उसका आपको कुछ गलत बोलना आपके गुस्से का कारण है राइट आपको कुछ चाहिए था उससे मतलब कुछ बिहेवियर चाहिए था या कुछ भी चाहिए था आपको जो आपको नहीं मिला मतलब यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे और उसने वैसा नहीं किया तो आप गुस्सा हो गए अगर मैं आपको बोलू या अगर आपसे पूछू आपके गुस्से का सोर्स कौन है आपके गुस्से का सोर्स कौन है जैसे आप, आप प्रोजेक्टर को तो जानते ही हो प्रोजेक्टर से हम प्रेजेंटेशन देते हैं तो प्रोजेक्टर सोर्स है या स्क्रीन सोर्स सोर्स है है प्रोजेक्टर क्योंकि प्रोजेक्ट से ही हम लोग प्रोजेक्ट प्रोजेक्टर से ही हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं राइट सो स्क्रीन में जाके वो पिक्चर वहां पे आता है अगर उस प्रोजेक्टर को हम थोड़ा सा लेफ्ट करके दूसरे दीवार पे प्रोजेक्ट करें तो क्या वहां पे वो प्रोजेक्शन होगा कोर्स होगा क्योंकि प्रोजेक्टर सोर्स है एम आई राइट चलिए प्रोजेक्टर को हम लोग थोड़ा और टर्न करते हैं अब बताइए अब जो दीवार पर उसका प्रोजेक्शन होगा तो क्या प्रोजेक्शन पॉसिबल है ऑफ कोर्स क्योंकि प्रोजेक्टर इज द सोर्स इसका मतलब है कि सोर्स अगर है तो उसका एक रिफ्लेक्शन तो आएगा ही तो आपको लगता है कि आप गुस्सा करते हो किसी इंसान पर तो वो इंसान सोर्स है क्या लगता है आपको वो इंसान सोर्स है अच्छे से समझिए इस चीज को या इंसान का बोला हुआ कोई वर्ड सोर्स है या उसका बिहेवियर सोर्स है तो जो भी हो वो बिहेवियर वर्ड्स तो वो इंसान से ही आ रहा है तो क्या वो इंसान आपके गुस्से का कारण है जब भी आप उसको सुनते हो देखते हो उसके बारे में सोचते हो तो आप गुस्सा करते हो क्या ये सच है एक बात बताइए मोमबत्ती आपके पास मोमबत्ती है उसको जलाइए वो जलती मोमबत्ती पे जब आप उंगली रखोगे तो क्या आपकी हाथ जलेगी कि नहीं जलेगी जरूर जलेगी राइट तो हम बोल सकते हैं कि वो मोमबत्ती सोर्स है और वो सोर्स में कोई भी हाथ लगाएगा तो आपके हाथ जलेंगे Right? कोई भी मतलब मैं भी अगर हाथ दूंगा तो मेरे भी हाथ तो सोर्स सोर्स समझिए एक ऐसी चीज है जो सबके लिए कॉमन है सूरज की रोशनी हमारे पृथ्वी पे पड़ती है तो वो रोशनी का सोर्स कौन है सूरज और वो सूरज हमें भी रोशनी देती है आपको भी रोशनी देती है सबको रोशनी देती है इसका मतलब है कि सोर्स से सब कुछ स्टार्ट होता है और सोर्स सबके लिए कॉमन होता है अब मेरा आपका क्वेश्चन आप जिस इंसान को देखकर सुनकर उसके बारे में सोचकर आपको गुस्सा आता है अगर वो सोर्स है अगर वो इंसान सोर्स है इसका मतलब है कि उसको अगर कोई और भी देखेगा तो भी गुस्सा होगा मतलब आप छोड़ के कोई और भी अगर उसे देखेगा तो गुस्सा होगा कोई और भी अगर उसको सुनेगा तो गुस्सा होगा कोई और भी अगर उसके बारे में सोचेगा तो गुस्सा होगा ऐसा होता है हमेशा मुझे एक इंसान को देख के गुस्सा आता है उसके बारे में सुन के गुस्सा उसके बारे में सोच कर गुस्सा आता है लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि वही सेम इंसान को जब कोई और देखता हो तो उससे गुस्सा ना लगे उससे गुस्सा फील ना हो इसका मतलब है कि वो सोर्स नहीं है हाँ उसे देख कर मुझे गुस्सा आता है से उससे उसको सुन के मुझे गुस्सा आता है लेकिन क्या पता कि वो सोर्स नहीं है कि अगर, अगर उससे अगर वो सोर्स होता तो सारे लोग जो उसके साथ मिलते सबको गुस्सा आता इस चीज को अच्छे से समझिए मैं हर चीज को रिपीट कर रहा हूं आपको अगर कोई चीज सोर्स है तो सोर्स एक ही टाइप का बिहेवियर करेगा सबके साथ लेकिन ऐसा नहीं होता है इसका मतलब जो इंसान हमको गुस्सा दिला रहा है बेसिकली गुस्सा नहीं दिला रहा है वो आपको बोल रहा है कि भाई जो गुस्सा है ना वो तुम्हारे अंदर है तुम्हारे अंदर है हो सकता है कि मैंने वो नहीं किया जो तुम चाहते थे मैंने वो नहीं बोला जो तुम चाहते थे तो वो तुम्हें कहीं ना कहीं पोक किया वो तुम्हें कहीं ना कहीं एक रीजन दिया कि तुम गुस्सा हो लेकिन गुस्सा तुम्हारा है गुस्सा मेरा नहीं है मतलब वो वो इंसान बोल रहा है कि तुमको लग रहा है कि तुम मेरे लिए गुस्सा कर रहे हो लेकिन तुम गुस्सा कर रहे हो क्योंकि गुस्सा तुम्हारे अंदर है एक बात बताओ एक कुआं है उस कुएं के अंदर मैंने बाल्टी डाली और मैंने देखा कि कुआ तो खाली है मैंने जब बाल्टी डाला है अब मैं जब उस बाल्टी के रस्सी को ऊपर की तरफ खींचूंगा उस बाल्टी को ऊपर लाऊंगा तो क्या बाल्टी में पानी होगा नहीं होगा क्योंकि कुआ खाली था राइट सोचिए इस बात को जब आप को लग रहा है कि कोई आपको गुस्सा दिला रहा है बेसिकली वो गुस्सा नहीं दिला रहा है आप अगर कुआ हो तो उस कुएं में वो बाल्टी डाल रहा है सो दर वो कुछ पानी निकाल सके लेकिन अगर पानी नहीं है मतलब अगर आपके पास वो एंगर है ही नहीं आपके दिमाग में वो एंगर है ही नहीं तो वो चाहकर भी वो एंगर नहीं निकाल सकता आपसे समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं ये एंगर अगर आप एंग्री होते हो इसका मतलब है कि ये एंगर ये गुस्सा आपके अंदर है हो सकता है उसके कई रीजन हो सकते हैं वो वो सेकेंडरी है प्राइमरी है ये जानना कि ये आपका गुस्सा है आपकी एंगर है क्योंकि आपके दिमाग में एंगर है आप सोचो ना आप अगर मदर टेरेसा के पास जाओगे और उनको बहुत बुरा भला बोलोगे तो क्या वो गुस्सा होंगे नहीं क्योंकि उनके अंदर वो गुस्सा है ही नहीं आर यू गेटिंग दिस So, ऐसे बहुत लोग हैं जिनको आप गुस्सा दिलाने के लिए बहुत कुछ बोलोगे बहुत कुछ करोगे लेकिन उसको गुस्सा नहीं आएगा क्योंकि उसके अंदर वो गुस्सा है ही नहीं सो so, दोस्तों ये जो सारी चीज होती है ना हमारा गुस्सा होना हमारे किसी के बुरा भला बोलने से हमारा रिएक्ट करना हर ये चीजों का जो जड़ है ना ये हमारे दिमाग में है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे दिमाग के अंदर कुछ ऐसे नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं वो गुस्सा है दे रहा जिसके लिए जब कोई हमें पोक करता है तो हम गुस्सा हो जाते हैं लेकिन ये गुस्सा हमारा है भले वो एक रीजन दे रहा है कि आप गुस्सा करो लेकिन गुस्सा तो आपके अंदर है गुस्सा तो हमारे अंदर है राइट जब कोई आके हमें पोक कर रहा है तो बेसिकली वो हमें एक रीजन दे रहा है एक रास्ता दे रहा है कि हम उस गुस्से तक पहुंचे अच्छे से सुनिएगा क्या बोल रहा हूं वो जब हमें गुस्सा दिला रहा है बेसिकली वो गुस्सा नहीं दिला रहा है वो हमारे एक्सपेक्टेड वे से रिएक्ट नहीं कर रहा है तो हमें गुस्सा हो रहा है ये गुस्सा हमारा है लेकिन वो कर क्या रहा है वो जाने अनजाने वो में वो इंसान हमें एक रास्ता दिखा रहा है कि हम उस गुस्से तक जाएं क्योंकि जब आप गुस्सा करते हो तभी आप अपने उस गुस्से तक जा सकते हो राइट right? आपको अगर मैं बोलू चलो अभी अपने अपने आपके दिमाग में जो गुस्सा है उसके पास जाओ आप नहीं जा सकते आप जब गुस्सा करोगे वही रीजन है जब आप अपने दिमाग में जाके उस गुस्से के बारे में सोचोगे कि मैं गुस्सा क्यों कर रहा हूं लेकिन हम क्या करते हैं जब भी हम गुस्सा होते हैं तो हम बाहर जाते हैं मतलब अपने अपने अंदर नहीं झाकते हैं बाहर झांकते हैं भाई किसने मुझे गुस्सा दिलाया नहीं करना क्या है सबसे पहले तो जिस इंसान से आपको गुस्सा हो रहा है आपको आप जाइए और उसे बोलिए थैंक यू डियर तुम्हारे वजह से मुझे अपने आप के पास अपने अपने दिमाग में जाने का मौका मिला और अपने उस छुपे हुए गुस्से को मैं पहचान पाया और उसे अपने दिमाग से निकाल पाया क्योंकि पहला है जानना कि ये जो गुस्से का सोर्स है वो हमारे अंदर ही है उसको पहचानना और उसको अपने दिमाग से उखाड़ फेंकना ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट होगी अगर हम रियली में से कर पाएं। so दोस्तों अगली बार अगर आप गुस्सा हो तो झट से अपने दिमाग को बोले जब गुस्सा मेरा है तो मैं गुस्सा क्यों करूं रातर मैं उस गुस्से तक जाऊं और उसे उखाड़ फेंकू और वो गुस्सा है कहाँ वो गुस्सा है हमारे दिमाग में राइट थैंक यू माई डियर फ्रेंड सुभाष कार्तिक ऑफ हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ गुस्सा मत करना